अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आम की बहुत ही अलग और मज़ेदार रेसिपी। दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आधा किलो आम लिया है। आपके पास जो भी आम अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और बीच से मैंने कट कर लिया है, तो बाकी आम में भी इसे ही कट का निशान लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने पहले ही से पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और बीच में इडली मेकर रख दिया था। अब उसके ऊपर हम रख देंगे आम जिसको वॉश कर लिया था और कट का निशान लगा दिया था। जितने आए आप वन बाई वन करके रख दीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लीजिए, जब तक कि आम अच्छे से कुक नहीं हो जाता। तो चलिए चेक करते हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आम अच्छे से कुक हो चुका है। आप देख रहे हैं गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट गला हुआ है। तो बस मैंने निकाल लिया एक बाउल में। अभी से आप देख रहे हैं जो मैंने कट का निशान लगाया था उससे ये छिलका जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। आम जो है काफ़ी गर्म है, हाथ जल रहा है, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैंने रोका बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो गर्म है। अब इसे हम निकालेंगे और स्पून की हेल्प से आप इसे देख रहे हैं आराम से पल्प को निकाल सकती हैं। आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आम जो है पूरा 100% कुक हो चुका है और पल्प जो है आसानी से निकल जा रहे हैं। तो बाकी के पल्प को मैंने निकाल कर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब देख रहे हैं बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं और ये छिलका देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ है, पल्प बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, ग्राइंडर जार लिया है, उसके अंदर मैंने आम के पल्प को डाल दिया है। इसके अंदर 1 कप पुदीना लिया है, पुदीने को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया और बग़ैर पानी डाले हुए इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो दोस्तों इसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की रेसिपी आपकी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। पानी आपको बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, ऑलरेडी पल्प जो है गीला होता है और पुदीना उसमें आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक छन्नी लिया है, उसमें इसको अच्छे से छान लिया है। आपके पास जो भी सुविधाएं हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने इसे एक छन्नी में अच्छे से छान लिया है और स्पून से हल्का सा स्क्रब करते हुए ताकि आसानी से इसका पल्प जो है नीचे ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके अंदर जो थोड़े थोड़े टुकड़े बारीक रहते हैं ना, तो वो निकल गए हैं और हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट मिल गया है। तो अब हम इसे रख लेते हैं एक साइड पे, इसे पल्प को एक साइड पे रखेंगे। इधर मैंने 1.5 कप शक्कर लिया है, तो आप शक्कर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आम अगर ज़्यादा मीठा होगा तो आपको शक्कर कम लगेगी और आम ज़्यादा खट्टा होगा तो आपकी शक्कर थोड़ा ज़्यादा लगेगी। उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, एक साइड पे रख लिया है। इधर मैंने 4 से 5 टीस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर डाल दिया है पानी, अच्छे से एक बैटर बना लेंगे। आप देख रहे हैं इसे भी एक साइड पर रख देंगे। इधर लिया है मैंने एक पैन, अभी जो मैंने पल्प निकाल के रखा था उसे पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और ऐड कर देंगे शक्कर। उसके बाद जो अभी मैंने कॉर्नफ्लोर को घोल बना के रखा हुआ था उसे डाल देंगे। 1/4 टीस्पून 1 पिंच के करीब हमें डाल देना है फूड कलर। तो दोस्तों फूड कलर आपको वो पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकती हैं, मैंने कलर के लिए डाला है, कलर थोड़ा अच्छा आएगा इसलिए। तो इसे मैंने गैस पे रख दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों इसे हमें 4 से 5 मिनट कुक करने में लगेंगे और ये जो रेसिपी है काफ़ी मज़े की बनके तैयार होती है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा थिक हो रहा है, बस इसकी थिकनेस को ध्यान में रखते हुए हमें कुक करना है। इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें कुक करना है, गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना। आप देख रहे हैं ये अच्छे से कुक हो चुका है, यानी पैन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, पैन छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है। तो दोस्तों इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे 2 टीस्पून के करीब घी।
तो गैस का फ्लेम अभी मैंने ऑफ नहीं किया है, घी डालने के बाद ही ऑफ करेंगे। सॉरी मेरे से पहले हो गया था, मैंने बंद कर दिया, लेकिन अभी बंद नहीं किया है। गैस का फ्लेम मीडियम है, 2 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है घी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में घी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों एक बात याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरी वीडियो वो नहीं देखी है, पहली बार देख रही हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों घी डालने के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी शाइन दोगुनी हो गई है, काफ़ी चमक आ गई है और ये पैन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, पैन छोड़ दिया है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी परफेक्ट है। और ये पुदीने का फ्लेवर, आम का फ्लेवर जो है और शक्कर वाकई बहुत ही मज़े का लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अलग रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप देख रहे हैं ये काफ़ी परफेक्ट है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे। तो आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये सेट होने के लिए तैयार है। तो इधर मैंने एक ढक्कन लिया है, आपके पास जो भी हो, कोई केक टिन हो या जो भी हो, आप उसको पहले घी से ग्रीस कर लीजिए, उसके बाद इसे में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि नीचे से लगे नहीं, और स्पून की हेल्प से और इसे अच्छे से चपटा कर लीजिए, क्योंकि ये अभी गर्म है और ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने दीजिएगा, अगर ठंडा हो जाएगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी लिक्विड था, जेली जो है काफ़ी मज़े की बनती है, तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख दिया था। तो ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है, उसके बाद मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब देख कर ही अंदाज़ा लगा सकती हैं, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी परफेक्ट जेली बनके तैयार हुई है। ये मिठाई जो है काफ़ी अच्छी लगती है, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। उसे मैंने कट कर लिया है और इसे आप अपने हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं, आप कैंडी का शेप दे सकते हैं, आप इसे स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप जो भी आपको अच्छा लगे उसे कट कर लीजिए। मैंने इसे चौकोर शेप में कट किया है और इसे सर्व कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मेरी हमेशा यही कोशिश होती है मैं आप सबके लिए आसान से आसान वीडियो लाऊं, मैं ऐसी वीडियो लाऊं जो आप लोग के घर में चीज़ें अवेलेबल हों, आप उसी से आराम से वीडियो रेसिपी को बना सकें और फैमिली फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही आप लोग की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।